सब्सक्राइब के यहाँ पे लाल बटन बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। ग्रेफाइट इंडिया, आज स्टॉक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ और अभी भी इनके जून यानी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, उस पर भी मैं बनाऊँगा। जब रिजल्ट्स आ जाएंगे अपडेट करूँगा ज़रूर। तो समझने वाली पहले ये बात है, पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। और ग्रेफाइट इंडिया 26 जुलाई 2019 को जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 320, 26 रुपये की एक अपसाइड थी 9% के आसपास ज़बरदस्त, और लो बनाया था साल का 255, हाई था 1127। तो 1127 से 320 के लेवल पे है अभी, तो काफ़ी गिरावट है इसमें, काफ़ी भयानक गिरावट है। और उस गिरावट का रीज़न भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, जो मार्केट कैप रह गई है 6251 करोड़ की, फेस वैल्यू 2 की है, और जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं पिछले एक साल या 6 महीने में, तो एक साल में नेगेटिव हैं 67% के आसपास के रिटर्न, और 6 मंथ में हैं 42% के आसपास के नेगेटिव में रिटर्न। पी रेशियो है 1.82, इस हिसाब से बहुत सस्ता हो चुका है स्टॉक। अर्निंग पर शेयर 175 का, तो अभी देखना पड़ेगा जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे उस पर क्या स्थिति रहती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। प्राइस टू बुक है 1.17 का, डिलीवरी इसकी 15% के आसपास है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और अगर हम रिजल्ट्स देख लेते हैं तो जो मार्च 18 से मार्च 19 की ईयरली एनुअल रिजल्ट्स में चलते हैं, तो नेट सेल्स में जहां 27% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 20% की अपसाइड थी, और नेट प्रॉफिट भी यहां करीब करीब 4% के आसपास अपसाइड है। मार्जिन में देखिए यहां पर 3.39% की डाउनसाइड हो गई है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं दिसंबर 18 से क्वार्टर 4 मार्च 19 में, तो नेट सेल्स में यहाँ पे 8.73% की डाउनसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 20% के आसपास की डाउनसाइड है, और नेट प्रॉफिट में भी 26% की डाउनसाइड है, और मार्जिन में भी यहाँ पे 7.3% की डाउनसाइड है। क्यों है ऐसा? उसका रीज़न है कि जो इलेक्ट्रोड्स या ग्रेफाइट बनाने वाले प्रोडक्ट्स की कंपनियाँ हैं, तो चाइना में सिंपल सी बात है, चाइना ने पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे नॉर्म्स ला दिए थे, बहुत सारी शिफ्टिंग करनी पड़ी थी कंपनियों को, बहुत सारी चीज़ें जो पोल्यूशन जिससे ना हो उन कंपनियों को बंद किया गया था, लेकिन उन कंपनियों ने उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए फिर से अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो इसी बीच जो भारत में कंपनियां थी एक्सपोर्ट करती थी ईरान जैसे अन्य कई कंट्रीज़ में, उनका जो उनकी डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट्स की, और ज़बरदस्त इनकी सेलिंग हुई, ज़बरदस्त इनको प्रॉफिट आया, काफ़ी अच्छे अच्छे दाम में बेचा इन्होंने, और काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। तो जो स्टॉक प्राइस था वो भी भागा, क्योंकि सारी चीज़ें जब कंपनी कमाई होगी तो ऑब्वियसली सारा कुछ अच्छा होता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है, तो लोगों ने रिटर्न भी बहुत अच्छा कमाया है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म ही था, 1-1.5 साल पहले उठा भागना शुरू किया, मैं अभी चार्ट में भी दिखाऊंगा, और अचानक अभी लगातार गिरावट है कि चाइना में फिर से प्रोडक्शन शुरू करते हैं, और चाइना ने ये भी कहा है कि हम फिर से लीडर हो जाएंगे, जहाँ जहाँ हम लोग अपना माल सप्लाई करते हैं हम फिर से सबको उनको खपत करेंगे। तो इस वजह से इन कंपनियों की नेट सेल्स डाउन हुई और इनका प्रॉफिट में, तो जहाँ तक इनका रिजर्व था तब तक तो अच्छा डिविडेंड वगैरह पे कर रही हैं, प्रॉफिट दिखा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कब तक सस्टेन कर पाएंगी, और इनके नो डाउट सेलिंग एंड सेल्स में प्रभाव पड़ा है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन भी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ अगर हम 5 सालों के चार्ट पे देखते हैं, कंपेयर करते हैं ग्रेफाइट इंडिया और हेग, दोनों को देखिए, 15 जुलाई 15 जनवरी 16 जुलाई 16 जनवरी 17, तो 17 में इनका प्राइस जो हुआ करता था इस प्रकार से, ग्रेफाइट इंडिया का 148, हेग का 331 के आसपास, और अचानक जुलाई अगस्त से इनकी भारी डिमांड हुई, काफ़ी अच्छा स्टॉक भागा, काफ़ी प्राइस बढ़ा, और ये देखिए इन्होंने जो हाई बनाया, तो ग्रेफाइट इंडिया दे चुका था जो हाई 784% का रिटर्न, और हेग दे चुका था 1469% का रिटर्न 23 अक्टूबर 2018 को। इस प्रकार शानदार लोगों ने खूब प्रॉफिट कमाया होगा, फिर यहाँ पे देखिए लगातार फिर डाउनसाइड गिरावट आती आती यहाँ पे अभी बचा हुआ हेग दे रहा है, जो वर्तमान स्थिति है 16 जुलाई 2019 को जो हम रिटर्न देख रहे हैं 392, और ग्रेफाइट इंडिया 182% की यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। तो जो लोग यहाँ पे जिन्होंने ख़रीदारी की होगी उनको तो काफ़ी लॉस है हाई पे,
तो ये समझने वाली बात है कि हम किसी स्टॉक को ख़रीद रहे हैं तो क्या हम उसको देखते हैं कि भाई कितना भाग चुका है, या इसमें आगे किसी प्रकार का पोटेंशियल है या नहीं है, या फिर किसी कारणवश गवर्नमेंट की तरफ से या पोल्यूशन की वजह से या किसी अन्य ट्रेड वॉर की वजह से या फिर जैसे कि चाइना की वजह से क्या इन कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ेगा तो पैसा डालने से पहले थोड़ा सा हम उसके उसके बारे में जाने ज़रूर, अन्यथा हमें ऐसे ही लॉस होता है। तो एनीवेज ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कंपनी बेकार है या अच्छी नहीं है, इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बिकते ही रहेंगे लंबे समय के लिए। जो लोग निवेशित हैं उनको अब इतना नीचे गिर चुका है, जो लोग बहुत हाई पे खरीद रहे होंगे तो उनको बेच के भी कोई मतलब नहीं, तो बने रहें, अच्छा डिविडेंड वगैरह पे करता, और हो सकता है कि आप आगे आने वाले समय में आज काफ़ी अच्छा ये अपना व्यापार करें तो उस हिसाब से आपको अच्छे रिटर्न भी मिल सकता है। हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, एक लंबे समय के निवेशक बनने चाहिए। तो इस तरीके से दोनों स्टॉक को जब कंपेयर करने के बाद मुझे यही लगा कि अब थोड़ा सा अभी फ़िलहाल बाइंग की मैं इसमें सलाह नहीं देता, और आगे आने वाले जून के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देखने के बाद हो सकता है कि अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, या बुरे परिणाम आते हैं तो हम इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि थोड़ी सी गिरावट भी आ सकती है, और पूरे बाज़ार में अभी आजकल गिरावट का ही दौर चल रहा है। तो चलिए, ये दोनों स्टॉक के बारे में मुझे बात करनी थी, ग्रेफाइट इंडिया के बारे में, और अगर ग्रेफाइट के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लें कि रिटर्न वाइज अभी स्थिति क्या है 10 सालों के आसपास की, तो 10 सालों में देखिए 530% के ग्रेफाइट इंडिया में रिटर्न है, शानदार रिटर्न है। 5 सालों में 189 के, ये भी ठीक है। 4 सालों में 289 के, ये भी शानदार है। 3 सालों में 303% के रिटर्न, ये भी शानदार है। और 2 सालों में 64% के रिटर्न है, ठीक है, ओके है। लेकिन 1 साल से लगातार इसमें नेगेटिव के रिटर्न है, लेकिन 1 वीक से 1 डे में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो इस तरीके से ये रिटर्न की स्थिति है, फाइनेंशियल भी देख चुके। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और कभी पूरा पैसा एक सेक्टर या एक स्टॉक में ना डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।